हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। मैं राहुल आपका बहुत स्वागत करता हूँ अपने राहुल बहादुरी चैनल में। तो अगर आप नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एप्पल ने फिर से एक बार कंफर्म कर दिया आईफोन SE 2 2020 का लॉन्च होगा, और साथ में एक नए रूमर से एक लीक निकल के आ रहा है जिसके अकॉर्डिंग पता लगता है आईफोन SE 2 का एक बड़ा मॉडल भी होगा जिसका नाम होगा आईफोन SE 2 प्लस। तो अभी नाम तो इनके आईफोन 9 आईफोन 9 प्लस होगा, ये तो भी कंफर्म नहीं हो पा रहा इनका नाम क्या होगा। अरे, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था जो आईफोन SE 2 है उसका नाम होगा आईफोन 9, लेकिन अभी एक लीक निकल के आया है शायद आईफोन 9 ना भी हो। तो मतलब ये नाम का जो झोल है वो यार कंफर्म नहीं हो पा रहा कौन सा नाम रहने वाला है, आईफोन SE 2 रहेगा या फिर आईफोन 9 रहेगा। लेकिन इतना जरूर कंफर्म हो चुका है कि एक लीक निकल के आया है जिसके अकॉर्डिंग पता लगता है आईफोन SE 2 के दो मॉडल आएंगे, यानी कि आईफोन SE 2 आईफोन SE 2 प्लस, और अगर इनका नाम आता है आईफोन 9 तो फिर आएगा आईफोन 9 एंड आईफोन 9 प्लस। तो दोनों मॉडल में देख रहे हो मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं आईफोन 9 और आईफोन 9 प्लस में क्या देख रहा हूं मिल सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन 9 के तो बारे में आपको बताया हुआ। आईफोन 9 के अंदर 4.7 इंच की एक LED डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि HD रेटिना डिस्प्ले होगी, जो कि एप्पल देता है अपने फोन के अंदर 7 में दिया 8 के अंदर दिया है, वही ट्रू टोन आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी आईफोन 9 के अंदर भी। अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसर के बारे में तो इसके अंदर होगा एप्पल का A30 बायोनिक चिप जो एप्पल ने 2019 के अंदर अपने फ्लैगशिप फोन के अंदर यूज किया, जो कि आईफोन 11 11 प्रो 11 प्रो मैक्स में यूज किया गया एप्पल A30 बायोनिक चिप, तो वही आपको आईफोन 9 के देखने को मिलेगी। तो मतलब प्रोसेसर काफी कमाल का मिलेगा आपको। ये फोन एक बजट फोन होगा इसलिए शायद एप्पल इसके अंदर अपनी A40 बायोनिक चिप नहीं दे रहा, क्योंकि अगर A40 बायोनिक चिप दे देगा तो जो एप्पल इस बार 2020 का फोन लॉन्च करेगा 1 लाख के 1.5 लाख के, और यही फोन बजट में आएगा 30-35 हज़ार में सेम प्रोसेसर मिलेगा, तो यार सेटिंग बैठेगी नहीं ना। तो इसलिए एप्पल इसके अंदर A30 बायोनिक चिप, ये भी चिप काफी कमाल की है, काफी मस्त आपका एक्सपीरियंस मिलेगा इस चिप के साथ भी। अगर मैं बात करूं आईफोन 9 के कैमरे के बारे में तो इसके अंदर मिला 12 मेगापिक्सल कैमरा जो कि आपको आईफोन XR में देखने को मिलता है, आईफोन 7 आईफोन 8 के अंदर मिलता है। हाँ, वो बात अलग है, कैमरा में इंप्रूवमेंट हो गया काफी ज्यादा, कैमरा में चेंजेस लाएगा एप्पल इस बार, लेकिन अभी कैमरा सिंगल निकल के आ रहा है जो आईफोन SE 2 है सिंगल कैमरा आपको मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरे की तो इसके अंदर आपको फ्रंट में मिलेगा 7 मेगापिक्सल कैमरा। अब शायद एप्पल 12 मेगापिक्सल कैमरा दे तो काफी अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें 12 मेगापिक्सल कैमरा आपको मिलेगा, इसके अंदर मिलने वाला आपको 7 मेगापिक्सल कैमरा जो कि आपको आईफोन 7 में देखने को मिलता है। तो मैं बात कर लेता हूँ आईफोन 9 के डिजाइन के बारे में। तो उसके जो लुक्स है तो मैं आपको बताई रखी है पहली वीडियो में भी, क्या आईफोन 8 से सिमिलर हो गए एकदम, जो दिखने में इसकी जो मतलब एक बैक ग्लास वाली फिनिशिंग है, साइड के पैनल वाली मान लो, मतलब फोन दिखने में सेम टू सेम आईफोन 8 की तरह होने वाला है। अब देखते हैं फाइनली फोन जब लॉन्च होता है तो क्या कुछ नया देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ आईफोन 9 प्लस के बारे में तो आईफोन 9 प्लस के अंदर आपको मिलेगी 5.5 इंच की एक HD रेटिना डिस्प्ले जो कि आपको आईफोन 8 प्लस में देखने को मिलती है ट्रू टोन डिस्प्ले। डिस्प्ले क्वालिटी काफी कमाल की होने वाली, काफी अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको, क्वालिटी में एप्पल कंपेरिजन नहीं करता क्योंकि जो डिस्प्ले की एप्पल क्वालिटी देता है वो बेशक LCD वाली क्वालिटी भी दे लेकिन काफी कमाल की क्वालिटी देता है। तो आप डिस्प्ले से एकदम टेंशन फ्री हो, डिस्प्ले आपको काफी अच्छी मिलने वाली आईफोन 9 की। अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसर के बारे में तो इसके अंदर आपको वही मिलेगी एप्पल A30 बायोनिक चिप जो कि आपको आईफोन 9 में देखने को मिलेगी, वही आईफोन 9 प्लस के देखने को मिलेगी। तो प्रोसेसर सेम है, प्रोसेसर में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, रैम भी सेम मिलेगी आपको 3 GB की रैम देखने को मिलेगी, आईफोन 9 में भी 3 GB की रैम होगी और आईफोन 9 प्लस में 3 GB की रैम मिलेगी। अगर मैं बात करूं आईफोन 9 प्लस के कैमरे बारे में तो इसके अंदर शायद आपको डुअल कैमरा मिल जाए, लेकिन जो लीक्स है वो भी सिंगल कैमरे के, लेकिन मुझे लगता है इसके अंदर डुअल कैमरा शायद आ जाए। बाकी देखते हैं जब एप्पल अपना फोन लॉन्च करेगा आईफोन 9 और आईफोन 9 प्लस तो प्लस वाले मॉडल में क्या कुछ प्लस करता है, ये तो जिस टाइम एप्पल अपना फोन लॉन्च करेगा उस टाइम पता लगेगा एप्पल ने क्या कुछ प्लस लॉन्च किया आईफोन 9 के अंदर। अगर मैं बात करूं डिजाइन को लेके तो आईफोन 9 प्लस का डिजाइन भी आईफोन 8 प्लस सिमिलर होगा, जैसे आईफोन 8 प्लस देखने को मिलता है आपको वैसे आपको आईफोन 9 देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कैमरे की कंफ्यूजन है, कैमरा एप्पल में डुअल देता है सिंगल कैमरा देता है। अगर सिंगल कैमरा तो यार इतने बड़े फोन में मजा नहीं आएगा, आपने देखा होगा 6 प्लस या फिर 6S प्लस उनके अंदर छोटा सा सिंगल कैमरा होता, फोन इतना बड़ा होता मजा नहीं आता फोन में। जो बैक लुक के डिजाइन है बिल्कुल यार एकदम अजीब से लगते हैं, छोटा सा कैमरा और इतना बड़ा मतलब फोन, तो मेरे हिसाब से डुअल कैमरा मिलना चाहिए। अगर डुअल कैमरा नहीं मिला आईफोन 9 प्लस के अंदर तो फोन में मजा नहीं आएगा, बाकी देखते हैं एप्पल फाइनली क्या करता है। अगर मैं बात करूं आईफोन 9 के हेडफोन जैक के बारे में तो बेसिक आईफोन 9 9 प्लस एक बजट फोन है, लेकिन इनके अंदर भी एप्पल 3.5 mm वाला जैक नहीं देगा, इनके अंदर आपको वही जैक देखने को मिलेगा जो कि आपको 7 प्लस 8 प्लस में दिखता है लाइटनिंग पोर्ट वाला, वही वाला आपको जैक देखने को मिलेगा। और ये दोनों फोन एप्पल मार्च में लॉन्च करने वाला है 2020 के अंदर, मार्च में एक इवेंट होगा एप्पल जिसके अंदर एप्पल अपना आईफोन 9 और आईफोन 9 प्लस लॉन्च करेगा। अभी डेट निकल के नहीं आई वो इवेंट होगा कब, लेकिन मार्च के अंदर इवेंट होने वाला है ये बात कंफर्म हो गई है। तो देखते हैं एप्पल मार्च 2020 के अंदर आईफोन 9 और आईफोन 9 प्लस के अंदर क्या कुछ नया लेके आता है, मार्केट में कैसे तहलका मचा पाएगा। लेकिन इतना कंफर्म है एक बजट फोन हो गया, 9 के अंदर आपको 5G मिलेगा और 9 के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा वगैरह मिलने वाला है, इसमें आपको टच आईडी मिलेगी जो आपको आईफोन 8 प्लस या फिर आईफोन 8
आईफोन 7 प्लस के अंदर मिलती है तो ना तो उसके अंदर फेस आईडी आपको मिलेगी क्योंकि एक बजट फोन है, और ना ही इसके अंदर आपको 5G मिलेगा क्योंकि एक बजट फोन है। तो देखते हैं फाइनली एप्पल क्या करता, क्या कुछ नया लेके आता, मार्केट में क्या तहलका मचाएगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है इनकी जो प्राइस है काफी बजट प्राइस आने वाली है एप्पल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो iPhone 9 है उसकी प्राइस होगी 30 से 35 हज़ार के बीच में, जो iPhone 9 Plus है उसके यार मतलब आप 10 हज़ार के आसपास एक्स्ट्रा मान लो, यानी कि 40-45 हज़ार पे करने पड़ सकते हैं आपको। लेकिन जो iPhone 9 है उसके प्राइस के लीक तो काफी टाइम से आ रहा है, उसके प्राइस होते हैं 30,000 से 35,000 अप्रोक्स। बाकी देखते हैं फाइनली एप्पल क्या करता है, लेकिन इतना कन्फर्म है इस बार एप्पल कुछ कमाल ही करना सोच रहा है। जो बजट कैटेगरी के अंदर इतना अच्छा अपने दो फोन लॉन्च कर रहा है, और ये दोनों फोन मैं 100% बोल सकता हूँ काफी सेल होने वाले, काफी गजब उठाने वाले मार्केट के अंदर, क्योंकि जब जब एप्पल ने बजट फोन मार्केट में उतारा तो काफी अच्छी उसकी सेल हुई है। तो देखते हैं फाइनली एप्पल फोन कब तक लॉन्च करता है, उनकी फाइनल प्राइस क्या होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।